ये पाकिस्तान है, ऐसा मुल्क जिसके पास कच्चे की सिलाई के पैसे भी भीख मांगकर इकट्ठे किए जाते हैं। ये वही मुल्क है जिसका खजाना खाली है और दिन रात IMF और अमेरिका की चिरौरी कर रहा है। मतलब जनता को ढाबे की सूखी रोटी पर तेल लगाकर परोसने के चक्कर में इस मुल्क ने जनता के तहमंद ही नीलाम कर डाले हैं। यानी पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बिना तहमंद के गाल बजा रहा है, पर बावजूद इसके इमरान खान इनके नीलाम तहमदों से रस्सी बुन रहे हैं ताकि उस रस्सी पर चढ़कर गगनचुंबी पेड़ से खजूर तोड़ सके। मामला काफी सख्त हो गया है, शायद पाकिस्तान का चीरहरण पल्ले नहीं पड़ा होगा। दरअसल इमरान जनाब ने अक्टूबर 2018 में पाकिस्तानी जनता को 50 लाख घर देने का वादा किया था, जिसके बदले फटे हाल पाकिस्तानियों से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 250 रुपए वसूल किए गए। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सरकार ने नया पाकिस्तान की इस हाउसिंग स्कीम में 70 लाख से अधिक फार्मों की बिक्री की, जिसमें सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए आए। पर आज आधे साल से भी ऊपर गुजर जाने के बाद अब इमरान खान ने नया पैतरा तैयार किया है। मतलब तहमंद छीने, गाल बजाए, अब इन्हीं गरीब पाकिस्तानियों के 250-250 रुपए खाकर इनके पिछवाड़े पर लात मारने का कासिम प्रयोग किया जा रहा है। पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान के इस दीवाने ने जो ख्वाब देखा था, वह भूखे और गरीब पाकिस्तानियों को ठोक बजाकर देख रहे थे कि ये लोग कितने दिन तक रोजे रखने के काबिल हैं। अब इमरान खान दबे स्वर में कह रहे हैं, फिलहाल घर देना पाकिस्तान सरकार के बस में नहीं है। इसकी वजह भी है, जनाब ने हवाई जहाज की सैर करते हुए जिन छोटे घरों को देखा था और ऐलान किया था कि 120 गज के घर हम 15 से 20 लाख में बनाकर गरीब पाकिस्तानियों को देंगे, अब पता चला है कि सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो 50 घर ही बनवा सके। दरअसल इस दीवाने वजीर आजम का एक विचार यह भी था कि उसके 50 घर के ऐलान से दुनिया भर की कंपनियां पाकिस्तान में निवेश के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में रोजगार तो बढ़ेगा ही, लोगों को घर भी मिलेंगे। पर यह देश उस फकीर की तरह है जिसके हाथ पर लोग 1 रुपए का सिक्का रखकर 90 पैसे वापस उठा लेते हैं। मतलब इमरान खान की योजना कबूतर बनी फिर छूमंतर हो गई। दुनिया की तो छोड़िए, इसके सदाबहार मित्र चीन ने भी इसे खूब चिढ़ाया। यानी जिस देश के पास खाने के लाले पड़े हैं, वहां घर नहीं कब्र के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दीवाने के सपने की झपेट में आकर लाखों पाकिस्तानी रमजान की खजूर के लिए रखी पूंजी हजूर को भेंट कर चुके हैं और वह पूंजी इमरान खान की भीख यात्रा और भीख देने वालों की आवाभगत में लुट चुकी है। यानी जनाब को सपने बहुत आते हैं। मार्च के महीने में भी सपने का एहसास हुआ था, जो गले की फांस साबित हुआ। मतलब एहसास नाम की स्कीम भी वनवास में चली गई, जो अभी तक वापस नहीं लौटी है, लौटने की उम्मीद भी नहीं है। इमरान खान 50 लाख घर देने से तो मुकर ही रहा है, गरीब पाकिस्तानियों की हक हलाल की कमाई को भी भीख समझ बैठा है। बड़ी बात है, जनता आंदोलन शुरू कर चुकी है, उन्हें पैसा नहीं घर चाहिए, लेकिन सरकार का खजाना खाली है, घर नहीं इन गरीबों को डंडे का डर दिखा रही है। आंदोलनकारी गरीबों की पीठ पर डंडे मारकर भगाया जा रहा है, जिसका मतलब है नया पाकिस्तान का नया तजुर्बा। कराची से उठी गरीबों की आवाज अब पाकिस्तान के दूसरे कोने तक पहुंचने की बाट जो रही है। क्वेटा में भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3 सेंटर खोले गए थे। मामला पूरे पाकिस्तान में गरीबों से हुई एक मुश्त लूट खसोट का है। वैसे भी पाकिस्तान में इन दिनों 2 आंदोलन पहले ही चल रहे हैं, जिनमें गरीबों को ही मारा जा रहा है। एक यूटिलिटी स्टोर से जुड़ा है, जबकि दूसरा सरकारी अस्पतालों की हड़ताल से है। यानी नया पाकिस्तान वह नारा है जिसमें झुककर चलते गरीब की पीठ पर लाठी की मार पड़ती है। बड़ी बात देखिए, इन गरीब पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी मीडिया के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। इनकी तेज आवाज को दबाने का प्रयास पाकिस्तानी सरकार ताकत के बल पर कर रही है। वैसे भी जिन लोगों ने घर की उम्मीद में फार्म भरे थे, उनमें भारत से पाकिस्तान में गए मुहाजिर, बलूचिस्तान के बलूच, सिंध के गरीब हिंदू और सिंधी समुदायों की संख्या सर्वाधिक है। कराची में सर्वाधिक मुहाजिर हैं, इनमें से ज्यादातर परिवार खुले में जीने को मजबूर हैं। आंदोलन की शुरुआत यही लोग कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की इमरान सरकार इन्हें दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रही है। आज दरिद्र पाकिस्तान जिस हालत में है, यह उसकी बकलोल नीतियों और आतंकवाद परस्ती का परिणाम है। पर दुखद यह है कि इन नीतियों का खामियाजा उन गरीब पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। गरीब कहीं भी हो, उसकी पीड़ा असहनीय होती है, पर पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां सबसे पहले सूली पर गरीब ही चढ़ता है। जमींदारों के वजीर आजम वाले इस मुल्क में गरीबों के बच्चों को ही दहशतगर्द बनाकर उन्हें हूरों के सपने दिखाए जाते हैं। मजहब का पहला अध्याय इन्हें ही पढ़ाया जाता है और ये जमींदार खुद हावड़ और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाते हैं।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।